गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज हमारी जो संविदा शिक्षक वर्ग की सीरीज है, उसी में आगे अपना अगला चैप्टर आवास। आवास से क्या समझते हैं? रहने का स्थान। अब आवास पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आवास के अंतर्गत पशु पक्षी मानव सभी लोग इंक्लूडेड है। तो हम जीव जंतु पशु पक्षियों से स्टार्ट लेंगे, फिर मानवों पर बात करेंगे। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं कि आवास एग्जैक्टली चीज होती क्या है, फिर आवास कितने प्रकार के होते हैं, जीव जंतुओं के अंतर्गत देखेंगे कि जीव जंतुओं के लिए कितने प्रकार के आवास बताए गए, उसके बाद हम मानव पे आएंगे, ठीक है। फिर मानवीय आवास को देखेंगे, मानवीय आवास को समझेंगे, उसकी क्या अभी तक के जो काम किए गए हैं, क्या समस्या है, ठीक, और क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इतना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जब जाके हमको जो क्वेश्चन इनसे डेवलप होते हैं, जो बनते हैं, जो आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और रही बात फिर एक अगला कि जो विशिष्ट मानव आवास होते हैं, एक और चीज, एक और टॉपिक, विशिष्ट मानव आवास के, इनके विशिष्ट जनजातियों के, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जनजातियां निवास करती हैं, तो वो पूरे विश्व में और भारत में दोनों को मिलाकर एक चैप्टर वो रहेगा इसके अंतर्गत। ऐसा करके पूरा पूरा आवास चैप्टर खत्म होगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम किससे, आवास से। तो आवास क्या होता है? तो जीव जंतु जिन वातावरण में रहते हैं, जीव जंतु जिन वातावरण में निवासरत रहते हैं और क्या करते हैं, अपनी प्रजाति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो वो उनके लिए वो स्थान क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा, ठीक। अभी हम मानवों में, मनुष्यों में इसकी बात करेंगे, अभी मैं जीव जंतु पे बात कर रहा हूं, क्लियर है। तो यहां पर आवास, ये आवास, तो जीव जंतु, वो पहले मैं बात करूंगा जीव जंतु में ही, ठीक है। तो जीव जंतुओं में आवास कितने प्रकार का हो सकता है, कि स्थलीय आवास हो सकता है, स्थल पर जीव जंतु रह सकते हैं, दूसरा जलीय आवास हो सकता है, ठीक, और तीसरे में क्या ले सकते हैं, विशिष्ट आवास, जीव जंतु हेतु विशिष्ट आवास, क्लियर। तो यहां पर जलीय आवास और स्थलीय आवास, तो अब इनको कैटेगराइज कर देते हैं हम, यार स्थल जमीन, जमीन पे कितने प्रकार के आवास हो सकते हैं, वन में आवास हो सकता है, घास में हो सकता है, मरुस्थल में हो सकता है, पहाड़ी एरियो में हो सकता है, और ध्रुवों पर हो सकता है, कितने, पांच। तो ये जो है पांच, कौन कौन से, ये तो बनी आवास, यहां ज्यादा कुछ नहीं देखना है, समझने की चीजें हमको पता है, बस समझना है, एक एक बार माइंड में डालना है कि इतनी चीजें चैप्टर में दी हुई है, बस ज्यादा हैवी कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या है यही देखने वाले हैं यहां पर, बनी आवास, वन में कौन कौन आवास करते हैं, ठीक, पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो कि क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं एक दूसरे पर। तो सबसे पहला हमारा क्या आ गया यहां पर, तो जीव जंतु और पेड़ पौधे, क्लियर, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो इसी प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तथा जंगली जानवर और वनस्पति क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आएंगे। तो वन में कौन आवास करते हैं भाई, पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्लियर है, और ये क्या, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक। उसी के बाद क्या हो गया, घास, घास में, घास वाला आवास के अंतर्गत कौन कौन रहते हैं, अपना जेब्रा रहता है, जिराफ, हाथी, हिरण आदि, और जो भी हो आप डाल सकते हैं, अपने को सिर्फ ये देखना है कैटेगरी, ठीक, ये तो उदाहरण है उसके, ठीक है। तो घास में कौन, जेब्रा, जिराफ, हाथी और हिरण। ऐसे ही आगे क्या है, मरुस्थल, मरुस्थलीय एरिया में कौन रहते हैं, हमको पता है, ऊंट, ठीक है, कैटल, सांप, कंगारूस, ठीक, तो ये लोग रहते हैं। मैं आवासों की बात कर रहा हूं, ठीक। तो बनी आवास हो गया, घास आवास हो गया, और मरुस्थली आवास हो गया। फिर पहाड़ी आवास, पहाड़ी आवास में कौन से जीव जंतु, याक, भालू, लोमड़ी, याक, भालू और लोमड़ी, क्लियर। फिर ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ठीक है, तो ध्रुवों पर कौन रहते हैं, फर वाले जंतु रहते हैं, जिनकी मोटी चमड़ी होती है, ठीक है, फर, ठीक। तो फर वाले जंतुओं के अंतर्गत कुछ देख लेते हैं हम, कौन हो गए, भालू हो गया, है ना, रेंडियर हो गया, स्नोगूज हो गया, खरगोश हो गया, और वाइट ईगल हो गई, ठीक, और भी हैं, ठीक। तो ये देख सकते हैं हम, इतने प्रकार के आवास होते हैं स्थल पर, कितने, पांच प्रकार के आवास स्थल पर होते हैं, ये उनके कुछ उदाहरण है, ठीक है, बनी, घास, मरुस्थल, पहाड़ी और ध्रुवी, क्लियर। ऐसे ही आ जाते हैं हम जलीय आवास पर, किस पर, जलीय आवास पर। जलीय आवास कितने प्रकार के होंगे, एक तो ताजे जल का आवास होगा, दूसरा समुद्री आवास होगा, और तीसरा तटवर्ती आवास होगा, क्लियर। तो ताजे जलीय, मछली, केकड़े, मगरमच्छ, तो ताजा जल वाला आवास हो गया, एक समुद्र वाला आवास हो गया, और एक तटवर्ती आवास हो गया, क्लियर। यहां पर क्या होता है, जैसे ताजा जल में कौन होती, मछली, केकड़े, मगरमच्छ, ठीक, ऐसे समुद्र वाले में कौन सी, फिश, फिश की विभिन्न प्रकार की कैटेगरी, स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, डॉग फिश हो गई, शार्क हो गया, क्लियर। तो यहां पर इन लोग, ठीक,
फिर क्या है, एक तटवर्ती आवास, तटो वाला, तटवर्ती आवास पे मैग्रोव जो वनस्पति होती है, मैग्रोव वनस्पति जो होती है उनका आवास स्थान होता है तटवर्ती वाला, ठीक। तो जलीय आवास कितने प्रकार के, तीन टाइप के, स्थलीय कितने, पांच टाइप के, क्लियर, ठीक। अब ऐसे क्या है, जीव जंतु जो और हैं, जो इनमें ना निवास करके कुछ विशिष्ट स्थल रखते हैं अपना, वो कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक आवास स्थान होता है बिल, घरों में बना लेते हैं बिल, भूमि पे बिल बन जाता है जो, तो चूहा बिल बनाता, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी आदि, क्लियर। तो एक हो गया हमारा बिल आवास, ठीक। फिर पेड़ों पर घोंसला बनाकर कौन रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है पक्षी रहते हैं, उसमें कौन, चिड़िया, कबूतर, बाया, है ना। ये पेड़ों की कोटर पे, पेड़ों की कोटर पे कौन रहती, गिलहरी। पेड़ों की कोटर पे, पेड़ों में बीच में एक छोटा सा ऐसा गैप सा बना के, है ना, देखे होंगे आप लोगों ने, उसी कहते हैं पेड़ों की कोटर। तो पेड़ों की कोटर में कौन रहती, गिलहरी, पक्का। ऐसी क्या बनती है, गुफा, गुफा भी एक क्या हो गया, एक प्रकार का जीव जंतु आवास। तो यहां कौन रहते, शेर, भेड़िया, लोमड़ी आदि, क्लियर। आप इसको रोक के एक बार और पढ़ ले, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जानने के लिए ये है कि ये चीज हमारे चैप्टर में है, बस, ठीक। इस पे बिल्कुल काम की चीज जो है उस पर मैं बताऊंगा बिल्कुल, उसको कैसे फिक्स करना माइंड में, ठीक। कुत्ता कहाँ रहता है भाई, कैनल में, मतलब कुत्ते का जो आवास स्थान उसको क्या कहते हैं, कैनल। अब यहां पर ये जानने लायक है, जैसे छत्ता कौन बनाती है भाई, मधुमक्खी बनाती, सबको पता था तैया, तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ये है आवास, क्लियर। अब घरों में, अपना जो घर होता है उन्हीं घरों में भी रहते हैं कुछ, ठीक है। तो कौन रहते हैं, छिपकली रहती है, चूहे रहते हैं और अन्य पालतू पशु जिनको हम पाल सकते हैं, बिल्ली, चूहा, वो हाँ बिल्ली, चूहा, खरगोश, वो भी रह सकते हैं, क्लियर। तो ये घरों में, ठीक। सुअर कहाँ रहता है, सुअर जहां रहता है उसको सुकर कहते हैं, ठीक है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, सबको पता है। मुर्गी जहां रहती है उसको कहते हैं दड़वा, दड़वा। मुर्गी जहां रहती है उसको क्या कहते हैं, दड़वा। यहां जो नहीं पता है उस पर ज्यादा जोर दो, जो पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक। गाय और भैंस, कोठा या बाड़ा, है ना, कोठा या बाड़ा। मकड़ी जाल बना के, चाहे घर हो चाहे कहीं भी हो, जाल बना के रह लेती है मकड़ी, क्लियर। तो ये जीव जंतुओं वाली जो कहानी थी आवास की, उसके प्रकार के अंतर्गत इतने प्रकार में डिवाइड करके स्थलीय, जलीय और विशिष्ट, क्लियर है ये पिक्चर, ठीक। अब ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, मानव आवास। मानव आवास की बात करूंगा मैं, किसकी, मानव आवास की सबसे पहले, ठीक। तो मानव आवास एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, सबसे पहले तो क्यों होता है, तो हम लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई एक स्थान विशेष चाहिए रहता है, और उस स्थान विशेष को हम क्या कर लेते हैं, स्थायित्व रूप से अपना लेते हैं, और जहां पे हम रहते हैं वही हमारा क्या कहलाने लगता है, आवास। अब वही हमारी संपूर्ण गतिविधियों का क्या बन जाता है, केंद्र। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति विशेष को एक स्थान विशेष पे रहना डेली की, अगले होने वाले दिनों की, है ना, काम करने के लिए, एक मन को शांत रखने के लिए एक जगह विशेष चाहिए रहती है, जिसमें वो अपनी दैनिक गतिविधियों और अपने आगे का जो जीवन है उसको बढ़ाने और करने के लिए एक स्थान चाहिए रहता है। तो वही हमारे क्या आ जाएगा, मानव के आवास के अंतर्गत आ जाएगा, क्लियर। अब यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, भाई आवास कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ये देखो मैंने यहाँ प्रकार भी लिख के रखा है, तो प्रकारों पे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या सबके पास है क्या प्रकार, नहीं है आवास सबके पास है क्या, नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो समस्या क्या है और उस समस्या के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया और कितने प्रकार के काम किए गए और मानव आवास को आवश्यकता है क्यों, मानव को आवास की आवश्यकता है ही क्यों, इस पर पूरी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक। तो अब पूरी चर्चा करता हूं मैं, ठीक। तो विशिष्ट मानव आवास जो इसके अंतर्गत ही आएगा, मैं उसको अलग वीडियो दूंगा आपको, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली समझ के चलिए आपके पेपर में फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मली अदर पेपर्स में पूछता है वहां से क्वेश्चन, मतलब यहां से भी पूछेगा, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं हम यहां से, ये तो मानव आवास कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, है ना, कि नहीं, संग्रहण कर सके हम हमारी उत्पादित वस्तुओं को, रख सके, ठीक। इस टाइप की और विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु सुरक्षित एक स्थान होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इस पर हम और हम यहां पर आवश्यकता क्यों में विशेष चर्चा पे ले लेंगे उसको, ठीक। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इन प्रकारों को किस रूप से बांट दो, श्रेणियों के हिसाब से बांट दिए हमने, रहने की श्रेणी आर्थिक रूप से, किस आधार पर बांट दिए, आर्थिक आधार पर, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति वो वैसे प्रकार की श्रेणी में रहेगा। तो प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का,
जो प्रथम श्रेणी के घर होते एकदम कैसे होते, पक्के बने होते हैं, किसके ईंट और पत्थर के, और उसकी छत भी कैसी होती है, पक्की। तो ये वाला जो कैटेगरी का मकान है वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। प्रकार तीन है, एक दो तीन, क्लियर। तो पहला प्रकार ये, दूसरा प्रकार क्या होगा, दीवार मिट्टी की भी बन जाएगी, छत खपरेल या टीन की बना देंगे यहां पर। तो ये सेकंड कैटेगरी में आ गया, जहां पर छत किसकी बन रही है, खपरेल और टीन की, पक्का। और थर्ड क्या है, घास फूस से निर्मित होगा, जो क्या होगा, ये भी खराब मौसम सहलेगा, ये भी खराब मौसम सहलेगा, लेकिन ये खराब मौसम में क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो इतनी प्रकार की कैटेगरी करके आर्थिक दृष्टिकोण से, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से वो अपना रावास स्थान क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। अब ये जो है, ये बनाने करने में कितने प्रकार की समस्या आती है और क्यों, और उसके पीछे क्या है ना। तो समस्या तो है, पूरे विश्व की समस्या है, पूरे संपूर्ण विश्व की समस्या है ये, कि हाँ मानव आवास क्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है, या आज से नहीं पहले से चली आ रही है, ठीक है। अभी जाके बहुत कुछ काम किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, पर ये ऐसे कैसे होने लगा, इसके पीछे किनके हाथ थे, कैसे स्टार्ट हुआ, उस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, भारत में देखोगे आवास की समस्या तो सबसे ज्यादा कहां पर है, गांवों में है। कहां पर है, गांवों में, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीणीकृत और गांव में निवास करती है ना। तो इसी प्रकार से अब यहां से हम आगे देखते हैं, इनको कैटेगराइज कर दिए थे हमने, श्रेणियां बना दिए थे, अब इनकी समस्या पे बात कर रहे हैं हम, पक्का। तो इसी समस्या को देखते हुए क्या किया गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP, क्यों 1987 में यूएनओ ने क्या कर दी, घोषणा कर दी, और ये कहा कि 1987 का जो वर्ष है, कौन सा वर्ष, 1987 का जो ईयर होगा वो क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर होगा, किसके लिए, आवास के लिए। तो मानवीय आवास हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था यूएनओ ने 1987 को, ठीक है। चलो अब ये भी देख लेते हैं, अभी इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे कि यार ये समस्या के कारण क्या है, क्यों हो रही है। एक तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, बिल्कुल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि उतनी की उतनी, रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जनसंख्या सबसे बड़ा कारण, ठीक है। दूसरा, परिवार चैप्टर पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़े थे हमने, संयुक्त परिवार का क्या हो गया है, ह्रास हो रहा है। जो पूरे व्यक्ति एक घर में रह ले रहे थे, अब वो अलग अलग हो रहे हैं, तो उनको भी अलग अलग आवास चाहिए, तो ऐसा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तब भी क्या लगेगा हमको, आवास लगेगा, और आवास की समस्या क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है, क्लियर। अब क्या हो रहा, कुछ सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां जो कि इसके अनुरूप नहीं है सरकार की नीतियां, इसी कारणवश भी आवास की समस्या क्या हुई है, बनी हुई है, ठीक। तो इतने प्रकार की कारणों से ये समस्या और बनी हुई है। अब इन्हीं के चलते क्या किया था, 1987 में यूएनओ के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई थी। अब यूएनओ ने क्या कर दिया, इसी घोषणा के बाद 1988 के बाद 88 जाता है, तो यूएनओ ने क्या कर दिया, एक लक्ष्य रख दिया यूनाइटेड नेशंस ने, कि भैया सन 2000 तक के सभी गरीबों के पास क्या होना चाहिए, आवास होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जब यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं, तो उनके तक ये खबर पहुंची यार यूएनओ ने घोषणा कर दिया, यूएनओ ने घोषणा किया, तो सभी देश अपने अपने स्तर पर क्या करेंगे, वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब हम रहते हैं कहां, भारत में, तो हम भारत की बात करेंगे, भारत का रहने वाला, भारत की बात बताता हूं, ठीक। तो भारत ने क्या किया, एक राष्ट्रीय आवास नीति लेके आया। तो राष्ट्रीय आवास नीति कब आई, 1992, और 1992 में संसद में पेश किया, ठीक। तो लोकसभा राज्यसभा से निकलने के बाद फाइनली अनुमोदित कब हुई, 1994, ठीक है, तो 1994 में, और 1994 में ये सब बातें करके रखी गई, और गवर्नमेंट का कहना आया कि ये केंद्र सरकार अकेले का काम नहीं है, ये कौन कर सकता है, एक प्रोसेस है। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, ये सब अपने स्तर पर देखें कि कहां किस टाइप की दिक्कत परेशानी है, और उस हिसाब से इसको क्या करें, चलाएं। और इसमें मेन काम किसका रहेगा, राज्य का रहेगा, जो कि यहां पर क्या करे, प्रेषित करे निर्देशों को और इस पे वर्क करे। तो केंद्र ने अपना काम ऐसा करके क्या किया, राज्यवार बांट दिया, और राज्यों में निचले स्तर पर ऐसा कार्यक्रम को बांट दिया, और कहा गया कि कोई ये एक बार होने वाला काम नहीं है, ये सतत चलने वाला काम है। तो मानवीय आवास जो है उसको होना जाना एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, मतलब ये कभी बोलोगे तो खत्म हो जाए तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, संयुक्त परिवार का ह्रास हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या करना रहेगा,
ये काम तो चलते रहने देना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल चलता रहेगा वो। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया गया, फिर राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किए गए, और फिर यहां पर से चलते चलते देखना कुछ क्या हुए, सहकारी क्षेत्र की भूमिका भी रही है। सहकारी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ हूं, सहकारी साथ मिलकर कार्य करना, ठीक सहकारी क्षेत्र की भूमिका। तो यहां पर श्रमिकों हेतु क्या विशेष आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद 1969 तो 1969 दिख रहा है यहां पर, तो 69 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ आवास, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ का गठन कर दिया गया। और आज की डेट में देखा जाए तो कितने ऐसे संघ है, 25 ऐसे संघ है, और ये क्या काम करते हैं, इन्हीं आवासों के संबंध में काम करते हैं कि चलो भाई आवास निर्माण पे बात करें, है ना, तो आवास निर्माण संबंधी जितनी भी गतिविधियां है उससे वर्क किया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है, ठीक। और क्या है, कोई पुराने भवन उनकी मरम्मत, भूखंड का क्रय विक्रय, है ना, और ऋण यदि उसको लेना है तो ऋण, ठीक है, अन्य प्रकार से मार्गदर्शन कैसा बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए और रहना चाहिए, है ना, इस प्रकार से आवास का बीमा और भवन निर्माण सामग्री जितनी भी लगती है, इन सभी प्रकार के कामों हेतु क्या हुआ, ये गठित कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त आवास संघ, क्लियर। तो यहां पर ये काम और किए गए, तो इतने प्रकार से आवास के संदर्भ में वर्किंग की गई, क्लियर। अब इसी के चलते इतनी सारी परेशानी खड़ी हो रही है, क्यों, तो इस पर सीधी सीधी बात कर लूं मैं, मानवीय मानव को आवास की आवश्यकता है ही क्यों, ठीक है, तो कुछ विशेष पॉइंटों के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों पड़ी भरी, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको हम। सबसे पहले तो एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से होना, स्थायित्व होना, कुछ पॉइंट से पहले उसको समझ लेते हैं। क्रियाशीलता बनी रहे मानव शरीर में, है ना, अपने आप को अभिव्यक्त करने हेतु, पर कैसे, बात करता हूं मैं। सुरक्षा किस प्रकार की होना, मौसम संबंधी सुरक्षा होना, घर होना बहुत जरूरी है उसके लिए, सामाजिक सुरक्षा होना, मानसिक होना, है ना, और जंगली जानवरों से बचाओ, ये दोनों को तो इसी में इंक्लूड कर दो। तो मौसम संबंधी, कभी भी मौसम चेंज हो रहा है, आंधी तूफान बारिश, तो हमको एक सेफ स्थल होना कि नहीं होना, ऊपर छत आजू बाजू चार दीवारी, तो तभी तो हम बचेंगे। तो आवश्यकता क्यों है, सुरक्षा किस प्रकार से, मौसमी सुरक्षा, सामाजिक, समाज बहुत ज्यादा कलयुग चल रहा है पता ही है, चोर वगैरह, हाँ डाकू गुंडे एक्सेट्रा, तो सेफ बनाना पड़ेगा। मानसिक, जंगली जानवरों का भय बना रहेगा तो क्या होगा, मन की स्थिति गड़बड़ रहेगी, तो एक प्रकार से मानसिक सुरक्षा के लिए भी भय बना रहेगा, तो वो क्या है, मानसिक तनाव बनेगा, तनाव बनेगा फिर क्या होगा, व्यक्ति काम थोड़ी कर पाएगा, डर में बैठा रहेगा, डर में जिएगा, क्लियर। ऐसी क्या है, स्थायित्व, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है। स्थायित्व कैसे मिलेगा, जब तक वो एक घर में या एक स्थान विशेष में नहीं रहेगा तब तक के नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली क्या चाहिए, मॉरल सपोर्ट, नैतिक बल, नैतिक रूप से वो क्या होना, शांत। और शांति कहां मिलती है, स्थान विशेष शांत स्थल पर, जहां पर हम रह रहे हैं या रहने रहते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, व्यक्तित्व दृढ़ होगा, मतलब अच्छा काम करने के लिए वो सक्षम हो पाएगा, है ना, थका आ रहा व्यक्ति और घर ही नहीं है उसके पास, तो मतलब वो कहां पे जाके आराम करेगा, वो आराम नहीं करेगा, तो उसको क्या, उसका माइंड सही सा बना रहेगा क्या, उसको नैतिक बल मिलेगा क्या, इंटरनली बल मिलेगा कि हाँ यार मैं वो काम कर लूं नहीं कर लूं, क्लियर। तो शांत एरिया जरूरी है, ठीक। तो व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, उसका दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा व्यक्तित्व। तो यदि मकान या आवास मिल जा रहा है तो उससे ये बेनिफिट है, ठीक है, इसीलिए तो आवश्यकता है हमको। अब क्या करेंगे, स्थायित्व नहीं रहेगा व्यक्ति को तो हमेशा क्या रहेगा, परेशान रहेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, उसका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, मानसिक तनाव में व्यक्तित्व विकास हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या, स्थायित्व पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक मानव को आवास की, क्लियर। क्रियाशीलता, वही वाली बात, क्रियाशीलता मतलब व्यक्ति अपने अंदर जो काम करने की जो क्षमता है उसकी वो बनी रहे, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली के डेली का जो काम है उसका वो पूर्ण होने को होना, डेली का काम में जो दैनिक गतिविधियां हैं पहले तो वो कंप्लीट होने को होना, और फिर वो जो जिस क्षेत्र में भी वर्क करता है तभी तो वो उसके लिए पूर्णता मानसिक और शारीरिक रूप से रेडी होगा, तो उसके लिए तो स्वाभाविक सी बात है घर चाहिए होगा, तभी तो वो क्रियाशील होगा। और क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, है ना, सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो कार्य क्षमता को उपयुक्त रूप बनाए रखने के लिए सुव्यवस्थित एक क्षेत्र होना, जहां बैठकर वो अपने आप में मनन कर सके कल को जो वर्किंग करनी है उसके लिए, क्लियर। फिर अभिव्यक्ति,
जो मानव आवास होता है वो उसकी खुद की अभिव्यक्ति होती है। कैसे होती है? उसकी जो इमारत होती है ना उसका व्यक्तित्व बता देती है, हाव हाव बता देती है कि वो किस टाइप का व्यक्ति होगा, है ना। उसका घर जिस प्रकार का होगा, उसके घर में जिस टाइप की चीजें लगी होंगी, बाहर देखे होंगे हमने लोगों के घर में कुछ ऐसे चिन्ह वगैरह बने होते हैं भगवान के, तो उससे समझ में आता है धार्मिक व्यक्ति है। हाँ, उसके घर की रंगत डिजाइन, है ना, ये सब क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, घर दूर से देख के समझ में आता है। क्लियर? तो ये वही है कि इमारत जो होती है उसके मानव आवास की इमारत होती है वो उसकी स्वयं की एक अभिव्यक्ति के रूप में भी होती है। ठीक, इतना सब होने के बाद और क्या हो सकता है? एक मानव आवास क्यों आवश्यक है? मनोरंजन स्थल के रूप में, कि यार वो मनोरंजन करना है उसको। अभी जैसे कोरोना के चलते क्या है, सब घर में ही है, अभी घर ही नहीं रहते तो हम रहते कहां, मान के चलो कितनी बड़ी समस्या, कितनी आवश्यकता की चीजें आवास, अब खुद बताओ, है ना। तो अभी आप घर में बैठे बैठे व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मनोरंजन के लिए? अभी तो मोबाइल ढूंढना है तो चलो उस पर काम निकल जा रहा है। तो मनोरंजन के लिए अपने घर में मनोरंजन करेगा व्यक्ति विशेष प्रकार से, जो जिस प्रकार से भी करना है, तो खुद का घर होने से क्या है ये फायदा। ठीक, संग्रहण स्थल, कितनी भी चीज, अब हमको जो दैनिक गतिविधियों में यूज करने वाली जो चीजें हैं उनको कहां संग्रहित करेंगे, स्वाभाविक सी बात घर में करेंगे। क्लियर है ना। फिर घर की अनुभूति होती है आवास से, बिल्कुल होती है, है ना। सांस्कृतिक सुरक्षा, अब हमारे यहाँ जितनी भी प्रकार की संस्कृति पूर्व से चली आ रही है, जो हमारे दादा दादाओं ने दिए हुए हैं, वो कहां से आ रही है, हम एक स्थान विशेष में जमकर स्थायित्व जमे हुए हैं, पहले जो चीजें चली आ रही है उनका आभास और ज्ञान हमको अभी भी है और हम इन्हीं को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक आवास से भी टच में है कि वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, सामाजिक गुण का विकास और अनुकूल वातावरण, है ना। सामाजिक गुण का विकास कहां होगा, एक आवास के अंतर्गत ही हो पाएगा सामाजिक गुण का विकास। ठीक है, तो इस प्रकार के विशेष पॉइंट, एक प्रकार से विश्राम स्थल, जब भी हम थका जाते हैं कहीं बाहर काम धाम करके आए तो हम कहां चाहिए, हमको हमारा आवास ही दिखता है ना विश्राम करने के लिए, कहीं भी तो सो नहीं जाते हम। क्लियर है, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम मानव आवश्यकता, मानव को आवश्यकता क्यों है एक आवास की, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस पॉइंट थे, बहुत बढ़िया चैप्टर था, ये एकदम इजी चैप्टर है, एक दो बार देखेंगे आप फिक्स हो जाएगा माइंड में। ठीक है, अब इसमें जो एक चैप्टर बनता है क्या, विशिष्ट मानव आवास। ठीक, तो उसको मैं अगला वीडियो में देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से पूरा डिस्क्राइब करके याद भी कराऊंगा मैं उसको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी भी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको दबा दें, तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।